दोस्तों बहुत दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कार के बैटरी और अल्टरनेटर को मल्टीमीटर का यूज करके कैसे चेक किया जाता है, तो वो वाला वीडियो ऊपर आई बटन पर आपको मिल जाएगा। तो वहां पर मल्टीमीटर के वोल्टेज रीडिंग के मदद से कार के बैटरी और अल्टरनेटर को चेक करना पड़ता है, लेकिन आज के इस वीडियो में हमारे पास कार के बैटरी और अल्टरनेटर को चेक करने का एक अलग तरीके का प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट का नाम तो बेसिकली बैटरी टेस्टर ही है, लेकिन इसके मदद से आप कार के बैटरी और अल्टरनेटर दोनों को आसान तरीके से चेक कर सकते हैं, और जिसको बैटरी के वोल्टेज के बारे में ज्यादा कुछ नॉलेज भी नहीं है वो भी कर सकते हैं। तो इस प्रोडक्ट में दोस्तों अमेज़न पर बहुत सारे नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों रिव्यू ही था, जो कि खरीदने के टाइम पर किसी को भी कंफ्यूज कर सकता है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर में एक डिटेल्ड वीडियो बनाया जाए ताकि प्रोडक्ट का क्वालिटी को भी चेक किया जाए। तो जिसके लिए मैंने इसको अमेज़न से मंगवाया है। प्रोडक्ट को किस तरीके से यूज करके कार के बैटरी और अल्टरनेटर को चेक किया जाता है वो आपको दिखाएंगे। और आप में से जो लोग वीडियो देखने के बाद इस बैटरी और अल्टरनेटर टेस्टर को खरीदना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर इसका परचेसिंग आपको मिल जाएगा। चैनल में नया है तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करने के साथ साथ वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। तो बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहां पर ये अमेज़न का बिल है, इसको साइड में रखते हैं। तो यहां पर एक पैकेट के अंदर में है, इसको निकालते हैं। तो यहां पर दोस्तों अंदर में एक मैनुअल टाइप भी दिया हुआ है, मतलब इसको किस तरीके से यूज़ करना है। तो मैंने पहले से ही ऑनलाइन में देख लिया था, मतलब अमेज़न पर इसके बारे में पूरा डिटेल्स भी लिखा है। और ये रहा दोस्तों मेन प्रोडक्ट। तो यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों प्रोडक्ट का लुक डेफिनेटली काफ़ी प्रीमियम है। दोस्तों ये जो डिवाइस है यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 टोटल 6 एलईडी इंडिकेटर लैंप मिलता है। यहाँ पर लिखा है 12 वोल्ट एलईडी डिजिटल बैटरी टेस्टर, और यहाँ पर दोस्तों ऊपर में लिखा है अल्टरनेटर स्टेट, और यहाँ पर लिखा है बैटरी स्टेट। मतलब इस डिवाइस की मदद से आप कार के अल्टरनेटर और बैटरी दोनों को चेक कर सकते हैं। आपके कार में अल्टरनेटर गुड है या फिर बैड, यानी फॉल्टी अल्टरनेटर है, उस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पर दो सिग्नल है, फॉल्ट और गुड। और बैटरी का स्टेट ऑफ चार्जिंग, यानी बैटरी फुल चार्ज है या फिर बैटरी का चार्ज एवरेज है या फिर बैटरी लो हो चुका है, डिस्चार्ज हो चुका है, उन सारे चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पर तीन सिग्नल है, फुल, मिडिल और लो। और यहाँ पर जो ओके सिग्नल है दोस्तों ये अल्टरनेटर और बैटरी दोनों को चेक करने के टाइम पर काम में आता है। यहाँ पर जो टोटल 6 एलईडी इंडिकेटर लैंप है, यहाँ पर जो वाला इंडिकेटर लैंप ब्लिंक होगा वो वाला इंडिकेटर लैंप आपको इंडिकेशन दे रहा है, चाहे अल्टरनेटर स्टेट हो चाहे बैटरी स्टेट हो, जिस चीज़ को भी आप चेक कर रहे हैं। तो इस चीज़ को आपको ध्यान पर रखना है। और इस डिवाइस के पीछे के पोर्शन में देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है बैटरी टेस्टर 12 वोल्ट, जो कि इस डिवाइस का नाम है। और यहाँ पर एक वार्निंग या फिर नोट सेक्शन है जहाँ पर लिखा है ये जो एलईडी इंडिकेटर लैंप है ये ऑपरेट नहीं होगा अगर बैटरी का वोल्टेज 9.9 वोल्ट के नीचे में चला जाए, जो कि रिकॉग्नाइज किया जाता है डिफेक्टेड बैटरी के हिसाब से। मान लीजिए आपके कार के बैटरी के साथ ये वाला डिवाइस को कनेक्ट करने के बाद ये वाला डिवाइस में कोई भी इंडिकेटर लैंप ऑन नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर दो रीज़न हो सकता है। एक तो आपके कार के बैटरी डिफेक्टेड है या फिर इस डिवाइस में कोई प्रॉब्लम है। तो वहाँ पर आपको मल्टीमीटर की मदद से वोल्टेज को एक बार क्रॉस चेक कर लेना है। इस डिवाइस के यहाँ पर दो तार मिलता है, एक रेड वाला पॉजिटिव तार और एक ब्लैक वाला नेगेटिव तार, और तार के इस साइड में दो क्लैंप या फिर एलिगेटर क्लिप है। एक रेड वाला जो पॉजिटिव एलिगेटर क्लिप या फिर क्लैंप है इसको कनेक्ट करना है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पर, और ये वाला ब्लैक को कनेक्ट करना है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पर। सबसे पहले यहाँ पर मल्टीमीटर का यूज़ करके वोल्टेज रीडिंग के मदद से कार के बैटरी और अल्टरनेटर स्टेट को एक बार हम चेक करेंगे, ताकि ये डिवाइस को यूज़ करने के टाइम कितना एक्यूरेट रिजल्ट दे रहा है हमें पता चले। यहाँ पर सबसे पहले मल्टीमीटर जो है इसको 20 वोल्ट पर सेट करेंगे, क्योंकि कार के बैटरी जो है वो 12 वोल्ट का है, यानी 20 वोल्ट के अंदर में है। तो अभी मेरे कार के इंजन जो है वो बंद है, तो इंजन बंद रहने के टाइम पर अभी मल्टीमीटर के पॉजिटिव वाला तार को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पर और नेगेटिव तार को नेगेटिव टर्मिनल पर कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर कनेक्ट करने के बाद देख सकते हैं दोस्तों वोल्टेज रीडिंग जो आ रहा है 12.77 या फिर 76 या फिर 78। तो कार के इंजन बंद रहने के टाइम पर बैटरी का वोल्टेज रीडिंग अगर 12.6 से 12.8 के बीच में आता है तो उसका मतलब है कार के बैटरी जो है वो फुल चार्ज है। तो यहाँ पर मेरे कार के बैटरी फुल चार्ज है, इसी वोल्टेज रीडिंग की मदद से पता चल रहा है। तो अभी सिंपली इसको डिसकनेक्ट करते हैं। तो अभी कार के अल्टरनेटर को हम चेक करेंगे। तो अल्टरनेटर को चेक करने के लिए दोस्तों सबसे पहले कार के इंजन जो है उसको स्टार्ट करना है। तो इंजन को हमने ऑन कर दिया दोस्तों, अभी वापस से मल्टीमीटर जो है उसको कनेक्ट करेंगे बैटरी के साथ। तो दोस्तों यहां पर आप रीडिंग देख सकते हैं, वोल्टेज रीडिंग जो आ रहा है 14.4 या फिर 14.3 या फिर 14.5।
दोस्तों कार के इंजन ऑन रहने के टाइम पर बैटरी का आइडल वोल्टेज रीडिंग जो होगा वो 13.8 वोल्ट से 14.3 के बीच में होता है। अगर 13.9 के नीचे चला जाता है वो एक इंडिकेशन है बैड अल्टरनेटर का। हालांकि यहां पर मेरे कार के वोल्टेज रीडिंग जो आ रहा है कार के इंजन ऑन रहने के टाइम पर वो एकदम आइडियल वोल्टेज पर तो नहीं है, उससे थोड़ा ज़्यादा है, 14.4 या फिर 14.5 के आसपास भी जा रहा है, लेकिन उसके ऊपर में नहीं जा रहा है। मतलब आइडियल वोल्टेज तो नहीं है डेफिनेटली, लेकिन कार के अल्टरनेटर जो है वो गुड अल्टरनेटर है इसी रीडिंग से पता चल रहा है। दोस्तों अभी इस डिवाइस को यूज करके किस तरीके से कार के अल्टरनेटर और बैटरी को चेक किया जाता है वो आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर एक बात बता दूँ, अगर आप कार के बैटरी को चेक करना चाहते देन आपके कार के इंजन बंद रहना चाहिए और उस टाइम पर बैटरी के साथ इस डिवाइस को कनेक्ट करना है। और अगर अल्टरनेटर को चेक करना चाहते हैं तो कार को स्टार्ट करने के बाद बैटरी के साथ ये वाला डिवाइस को कनेक्ट करना है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे हमारे कार के जो बैटरी है उसको। तो दोस्तों इस डिवाइस के जो रेड कलर के क्लैंप यानी एलिगेटर क्लिप है इसको हम कनेक्ट करेंगे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पर, और जो ब्लैक कलर के क्लैंप है इसको हम कनेक्ट करेंगे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पर। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए कनेक्ट करते ही ये वाला LED इंडिकेटर लैंप जो है ब्लिंक होना स्टार्ट हो गया, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया जो वाला LED इंडिकेटर लैंप ब्लिंक होगा चाहे अल्टरनेटर स्टेट में हो चाहे बैटरी स्टेट में हो वही वाला मतलब ब्लिंक हुआ LED इंडिकेटर लैंप आपको इंडिकेट कर रहा है। बैटरी स्टेट पर LED इंडिकेटर लैंप फुल पर ब्लिंक हो रहा है, हालांकि यहाँ पर मिडिल वाला लैंप भी ऑन है लेकिन ब्लिंक फुल पर हो रहा है, तो इसका मतलब कार के बैटरी जो है वो फुल चार्ज है, जो कि मैंने मल्टीमीटर पर भी आपको चेक करके दिखाया था। तो रिजल्ट दोस्तों यहाँ पर एक्यूरेट ही आ रहा है। एक चीज मैं देख पा रहा हूँ, ओके जो मतलब LED इंडिकेटर लैंप है ये ऑन नहीं हुआ, मुझे पता नहीं है इसमें डैमेज है या नहीं। प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन पर जैसे बताया गया था, जैसे अमेजन पर मैंने देखा था, उसके हिसाब से ओके वाला जो इंडिकेटर लैंप है ये ब्लिंक तो नहीं होगा लेकिन ऑन होकर रहेगा, चाहे आपके अल्टरनेटर स्टेट चेक कर रहे हो चाहे बैटरी स्टेट चेक कर रहे हो। दोस्तों कार को एक बार स्टार्ट करते हैं। तो अभी यहाँ पर इस डिवाइस के ये जो रेड कलर के क्लम है इसको हम कनेक्ट करेंगे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पर, और ब्लैक कलर के जो क्लम है इसको हम कनेक्ट करेंगे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पर। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान पर रखें, जब भी कोई भी बैटरी पर चार्ज है वैसे बैटरी पर कुछ भी कनेक्ट कर रहे हैं तो हमेशा पॉजिटिव पहले कनेक्ट कीजिए बाद में नेगेटिव कनेक्ट कीजिए, और खोलने के टाइम पर नेगेटिव को पहले खोलिए पॉजिटिव को बाद में खोलिए। तो यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं। दोस्तों यहाँ पर कनेक्ट करते ही देखिए यहाँ पर अल्टरनेटर स्टेट में गुड वाला सिग्नल जो है ब्लिंक होना स्टार्ट हो गया, और यहाँ पर साथ साथ बैटरी का जो सिग्नल है ये थोड़ा स्लोली ब्लिंक हो रहा है देखिए। तो इसका मतलब बैटरी स्टेट ऑफ चार्जिंग जो है फुल है और अल्टरनेटर का जो स्टेट है वो गुड है, यानी मेरे कार के अल्टरनेटर जो है गुड अल्टरनेटर है। बैड अल्टरनेटर या फिर फॉल्टी अल्टरनेटर होता तो देन ये वाला फॉल्ट का जो सिग्नल है ये ब्लिंक होता। लेकिन दोस्तों अल्टरनेटर को चेक करने के टाइम पर भी इस डिवाइस पर जो ओके वाला LED इंडिकेटर लैंप है ये ऑन नहीं हुआ, तो मेरे ख्याल से इस पर्टिकुलर LED इंडिकेटर लैंप में प्रॉब्लम हो सकता है। तो मेरे ख्याल से अमेजन पर जो भी सारे नेगेटिव रिव्यू वगैरह लिखा था तो इसी के कारण लिखा होगा, उन सारे लोगों के पास पर्टिकुलरली कोई डिफेक्टिव प्रोडक्ट गया होगा। तो मेरे ख्याल से दोस्तों इस प्राइस रेंज के अंदर में ये जो प्रोडक्ट मिल रहा है इसका क्वालिटी और यूज़ की अगर बात किया जाए तो मुझे तो अच्छा लगा। ये जो है एकदम लाइट वेट वाला है तो इसको आप आसानी से कैरी भी कर सकते हैं कार में। दोस्तों उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस फ्यूचर में देखने के लिए। और आप अगर इस डिवाइस को खरीदना चाहते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर इसका परचेस लिंक आपको मिल जाएगा। मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।